दो, एक इधर मार दो थोड़े से, क्या उतार इधर इधर आगे वाला। अपने उतार का जगह प्रेशर से आप सभी को घोषित किया है, कृपया के पीछे हट जाइए, आपको चोट लग सकती है। आपको सचेत किया जाता है कि आपको चोट लग सकती है, आप पीछे हट जाइए। गणेश गणेश पानी आया, पानी गणेश देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो लगाया गया है और पुलिस वालों से संघर्ष करते हुए जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, नजर आएंगे। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास हो, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, तमाम नेता जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस उन्हें पीछे खदेड़ रही है। जो रेड क्रॉस हॉस्पिटल है भोपाल का, उसके सामने यहाँ पर देखिए आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जो संघर्ष है उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। विधानसभा का घेराव करने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जो कांग्रेसी है वो निकले हैं और पुलिस ने इन्हें बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ बैरिकेड्स के आगे जाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और देखिए पुलिस से धक्का मुक्की, पुलिस से जो झड़प की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हो। और आप बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर इस पूरे। और ये देखिए ये बड़ी तस्वीर, वाटर कैनन यहाँ पर चला दी गई है, वाटर कैनन यहाँ पर चला दी गई है।
वाटर कैनन से तितर बितर करने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने यहाँ पे वाटर कैनन का उपयोग किया है और वाटर कैनन के जरिए यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की जो कोशिश है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। आप ये तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जब पुलिस समझाइश दे रही थी, कांग्रेस की जो आगे आप ये देख सकते हैं सबसे बिल्कुल देखिए महंगाई के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ ये पूरा जो प्रदर्शन है कांग्रेस का वो चल रहा है। हरदा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था उसके खिलाफ, युवाओं को रोजगार के खिलाफ और मध्यप्रदेश में जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो अनियमितताएं निकलकर सामने आई थी उसको लेकर कांग्रेस का ये पूरा प्रोटेस्ट है, ये पूरा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और बैरिकेड्स की तरफ पहुंचने अगर आपको दिखाएंगे तो बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश, तेज पानी की बौछार है यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएगी और इसके साथ ही बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं और मैं बात करने की जरूर यहाँ पर कोशिश करूंगा मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हेमंत जी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर ये पूरा प्रदर्शन? देखिए युवाओं के हित की मांग हमने करी कि मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार है और आप सदन में झूठे आंकड़े देते हैं, झूठे वायदे करते हैं चुनाव में लाखों लोगों को रोजगार देने की। सही बात यह है कि युवा जो है पकौड़े तल रहा है या फिर आप उसको इस ओर ले जाने पे मजबूर कर रहे हैं। और आज जब हम युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उठा रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार किस तरीके से विरोध कर रही है। अगर युवाओं की आवाज उठाना कोई अपराध है तो फिर हम इस अपराध को नहीं घटित करेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। एक बड़ी घोषणा भी की आज की, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाएंगे। बिल्कुल, युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, टिकट भी हो या किसी भी चीज में युवाओं को आगे किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन था, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जनता की मांग उठा रहे थे, इसलिए हमारे ऊपर इस तरीके से